इस बाइक में क्या होता है माल लोड होती है, इसीलिए इस तरीके से डबल रॉकर लगाया गया है। और कोई बात नहीं है तो बाइक के हमें क्या काम करना है, जैसे स्पॉकेट जो होता है हमारा ये बुरी तरीके से खत्म है, तो इस स्पॉकेट को हम चेंज करने वाले हैं। और कौन सा लगाएंगे वो हम आपको बताते हैं। पुराना वाला है, आप यहाँ से दाता देख सकते हैं, बिल्कुल जो है ये खत्म हो चुकी है। ये रोलन का है, काफी चीप एंड बेस्ट चलता है। इसका MRP भी हम आपको दिखा देते हैं। MRP जो है 878 रुपये है, ठीक है ना। चलिए और इसके साथ क्या क्या आता है वो हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या, इस तरीके से आपको जो है एक स्पॉकेट मिलेगा और ये काफी हैवी होता है, यानी कि काफी जानदार है। और इसके अंदर कितनी टीत होती है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो देखिए इस साइड में कहीं नजर नहीं आएगा, आपको इस साइड में नजर आएगा, यानी कि 40 है। और ये जो हमारा है ये भी रोलन है, ठीक है ना। तो इस दोनों में से क्या अंतर है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें भी 40 है, ठीक है, इसके अंदर भी 40 है, इसके अंदर भी 40 है, लेकिन ये जो है काफी जानदार है और इससे कई गुना ज्यादा वजन ज्यादा है इसके अंदर। और ये जो है काफी हल्का है, इसका बनावट और इसका बनावट में काफी अंतर है, जबकि दोनों जो है रोलन ही है। तो यही चीज आपको देख के लगाना चाहिए। अब देखिए ये भी रोलन का ही है और ये लूज क्वालिटी का है, इसके अंदर भी सेकंड क्वालिटी का होता है, ठीक है। और ये जो है कितना हैवी है और ये जेन्युइन है रोलन, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम फटाफट लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हमने सबसे पहले ओपन तो कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको लगा देना है। और इस तरीके से लगाने के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर ये लग गया आसानी से। अब क्या करना है, ये लिखा हुआ जो है ऊपर की ओर रखना है, उल्टा साइड नहीं लगाना है। इसको पहले थोड़ा सा दबा दो, उसके बाद चारों बोल्ट को अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। जो है इस तरीके का जो होता है हमारा लॉक, इसको लगा देना है और चारों नट को टाइट कर देना है। और ये जो होता है हमारा चैन भी नया आता है, और उसके साथ जो है हमारा ये छोटा गरारी ये भी इसके साथ में ही आता है, यानी कि तीनों चीज आता है, ठीक है। ये हो गया, एक चैन हो गया और ये पीछे वाला हो गया, ठीक है। अब सिंपली जो है ये हमारा फुल टाइट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब हम इसे लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, ये देखिए ये लिखा हुआ ऊपर की ओर रहना चाहिए, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ ऊपर की ओर है। सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से इन कर देना है, ये हमारा इन हो गया। अब इसमें क्या है, लॉक लगा देना है। ये हमारा लॉक है, यहाँ पर लॉक फंसा देना है। इस तरीके से फंसाने के बाद आपको यहाँ पर बीच में रख के क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, तभी जाके ये सेंटर मिलेगी और लॉक हो जाएगा। अब इसको खींच लेना पीछे से, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से गियर डाल के अब यहाँ पर नट को टाइट करना है, दोनों बोल्ट को लगा दे। एक इसके अंदर और लगेगा, इसी तरीके का एक कम था, ठीक है। यहाँ पर बैरिंग भी कई बार जो होता है ना हमारा, ये चेंज करना पड़ता है, लेकिन ये बैरिंग जो है अभी ठीक है, अब क्या है थोड़ा सा लूज है, इसीलिए इस तरीके से बाहर आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे, ये आसानी से लग जाएगा। इस तरीके से इन हो गया, बस अब हम क्या करेंगे, इसका चेन को पहनाएंगे, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से लॉक को फंसा देना है। उस लॉक को जो है इस तरीके से डाल देना है और पीछे से प्लास से जो है इस तरीके से अटैच कर देना है, ठीक है। अब क्या, हमारा लॉक भी लग गया और छोटा वाला इस पॉकेट भी टाइट हो गया। और चेन जो इसका काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा कटिंग करना पड़ेगा। चलिए फटाफट पहले पहिया को इन करते हैं, उसके बाद कटिंग कर देंगे चेन को। अब जो हमारा पहिया जो है लग चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो चेन इसका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम कट कर लेते हैं।
और कट कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं किस तरीके से कटिंग किया जाता है, जो कि काफी बेहतर होता है। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले ये लॉक होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये हमारा लॉक है, इस लॉक से जो है ये वाला काटना है नाप के, यानी नीचे वाला। अभी हम इसको इस तरीके से पहले नाप लेंगे कितना आगे आती है, उसके बाद फिर हम इसे कटिंग कर देंगे। जैसे कि इस तरीके से 1 2 3 ये हमारा जो है चौथा कटेगा, क्योंकि थोड़ा सा आगे भी जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम पहले कटिंग कर देते हैं। ये हमारा निकल चुका है, थोड़ा सा इसको बराबर कर देते हैं। अब जो हमारा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया, यानी कि पीछे से भी हो गया, आगे से भी हो गया, सारा काम हो चुका है। और ये मैक्सिमम कितना किलोमीटर चलती है वो हम आपको बताते हैं, 18 से 20 हजार किलोमीटर चलेगी, उसके बाद दोबारा फिर तभी खत्म होगी और उसके बाद ही चेंज होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन हो गई, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब सिंपली जो है आगे का कवर डलेगा और पीछे का चेन कवर लग जाएगा। इस बाइक में क्या होता है, माल लोड होती है, इसीलिए इस तरीके से डबल शॉकर लगाया गया है। और कोई बात नहीं है, तो काफी अच्छा चलेगी ये स्पॉकेट। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।